बिहार की चार सीटों का रिजल्ट हुआ जारी। किसके कितने वोटों से हुई जीत, राजद का टूटा 34 साल का रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार की चार विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट अब सबके सामने है। इस चुनाव ने महागठबंधन को करारा जवाब दिया है और एनडीए प्रत्याशियों को जबरदस्त जीत मिली है। हालांकि महागठबंधन और एनडीए के बीच उपचुनाव के दौरान हुए मुकाबले में जन सुराज की ताकत का भी पता चला। जनता ने जो अपना फैसला सुनाया है उससे महागठबंधन की चिंता बढ़ी है और एक बार फिर से एनडीए को बिहार में मजबूती मिली है। बिहार में ये उपचुनाव इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ सीटों पर हुई, जिसमें दो सीटों पर बीजेपी, एक सीट पर हम पार्टी और एक सीट पर जदयू की धमाकेदार जीत हुई है। अब किस सीट पर किस पार्टी को कितने वोटों से जीत मिली है और कौन कितने वोटों से पीछे रह गया, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही जनसुराज की क्या स्थिति रही इसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले बिहार के तरारी सीट की बात कर लेते हैं। यहां से एनडीए में भाजपा के विशाल प्रशांत ने बाजी मारी है। इनके पक्ष में 78,755 वोट मिले। वही दूसरे नंबर पर महागठबंधन की तरफ से सीपीआई के राजू यादव रहे, जो 10,612 वोटों से हारे हैं। यहां जनसुराज भी तीसरे नंबर पर रहा। यहां से जनसुराज की तरफ से किरण सिंह चुनाव में खड़ी थी, जिनके पक्ष में 5,622 वोट आए हैं। अब बात करते हैं रामगढ़ सीट की। यहां से भी एनडीए की तरफ से बीजेपी प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह ने 62,257 वोटों से अपना परचम लहराया है। यहां पर एनडीए के सामने महागठबंधन भी पिछड़ गई और बहुजन समाज पार्टी ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी है। बहुत कम वोटों से बीएसपी के सतीश कुमार सिंह हारे हैं। एनडीए के प्रत्याशी ने बसपा के प्रत्याशी को महज 1,362 वोटों से हराया है। राजद तीसरे नंबर पर रही, जहां इसके पक्ष में 35,825 वोट आए हैं। अब तीसरे नंबर पर है इमामगंज सीट, जहां हम पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी ने अपना झंडा गाड़ा है। दीपा कुमारी के पक्ष में 53,435 वोट आए। दूसरे नंबर पर राजद के रोशन कुमार रहे, ये हम पार्टी के प्रत्याशी से 5,945 वोटों से हारे हैं। यहां भी जनसुराज तीसरे नंबर पर रही और 16,332 वोटों से पार्टी को हार मिली है। अब अंतिम में बात करते हैं बेलागंज सीट की। यहां भी एनडीए की तरफ से जदयू की मनोरमा देवी ने चुनाव अपने पक्ष में किया है। जदयू की मनोरमा देवी को करीब 73,334 वोट मिले हैं और ये राजद से 21,391 वोटों से आगे रही। राजद के विश्वनाथ कुमार सिंह को 51,943 वोट मिले। वही जनसुराज के मोहम्मद अजमत तीसरे नंबर पर रहे। जनसुराज को इस सीट पर 17,285 वोट मिले हैं। बिहार में इन सीटों पर उपचुनाव से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का अंदाजा लगाया जा रहा है। एनडीए ने इस बार सभी सीटों पर उपचुनाव में जबरदस्त जीत हासिल किए हैं, जिससे 2025 के चुनाव में एक बार फिर से एनडीए के आने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। इस चुनाव में खासकर राजद को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि बेलागंज और रामगढ़ दोनों सीटों पर राजद के विधायक थे और दोनों ही सीट महागठबंधन हार गई। बेलागंज में 34 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इस सीट पर राजद के प्रत्याशी वर्ष 1990 से ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप इस चुनाव के रिजल्ट पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।